नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की राजगढ़ इकाई की ओर से राजगढ़ में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राजगढ़ इकाई के नव निर्वाचित प्रधान अरुण शर्मा की ओर से की गई। इस बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने हाउस में उपस्थित सभी कर्मचारियों की ओर से निर्विरोध चुनी गई कार्यकारिणी के लिए सभी कर्मचारियों का धन्यवाद किया और सभी पदाधिकारियों ने एकमत से ये भी आश्वासन दिया कि राजगढ़ इकाई एनपीएस या ओपीएस में कोई भी गुटबाजी नहीं है। सभी पदाधिकारियों ने यह भी फैसला लिया कि कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण के लिए संगठन एकजुट होकर काम करता रहेगा और समय समय पर कर्मचारियों की मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। इसके साथ साथ कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए भी समय समय पर सरकार के साथ पत्राचार किया जाएगा। राजगढ़ से हमारे संवाददाता जीडी शर्मा की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी को विदित है कि राजगढ़ ब्लॉक इकाई 11 अस्पति कर्मचारी संघ के चुनाव 16/7/2023 को संपन्न हुए थे, जिसमें सभी पदाधिकारी को सर्वसम्मति से चुना गया था। सबसे पहले तो मैं सभी जो राजगढ़ ब्लॉक के कर्मचारी है सबका थैंक यू धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है हमारे को इस लायक समझा कि वो हम ये दायित्व सौंपा हमारे को। और हम चाहते हैं कि हमारा जो पहला उद्देश्य है कि कर्मचारी जो राजगढ़ ब्लॉक के कर्मचारी है उनकी जो मांगे है वो सही ढंग से सरकार तक पहुंचा सके ताकि उसका निपटारा हो सके। और दूसरी, आज हमारी जो पहली मीटिंग हुई, कार्यकारिणी की पहली मीटिंग हुई, उसमें जो है सभी उपस्थित हुए। और दूसरा हमारा यह है कि जो अफवाह चल रही है कि राजगढ़ में गुटबाजी एनपीएस ओपीएस चला हुआ है, उसका सभी अफवाह का हम खंडन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे चुनाव हुए सर्वसम्मति से चुने गए, उसमें ना ओपीएस एनपीएस ही एनपीएस था, ना ओपीएस ही ओपीएस था, इसमें सब साथ मिल के चले हैं। हम सीनियर जो हमारे सीनियर है उनका आशीर्वाद हमारे को मिला। सब जो पुरानी कार्यकारिणी के अधिकारी रहे वो उसमें सब उसमें बैठक में शामिल हुए, चुनाव प्रक्रिया उनकी निगरानी देखरेख में पूरी हुई। और हमारे जो मुद्दे है वो समय समय पे हम सरकार के सामने उठाने की कोशिश करेंगे ताकि जो है हमारे को जो दायित्व सौंपा गया है कर्मचारियों की ओर से उसका जो वो कर सके, हम निर्वहन सही ढंग से कर सके। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।